इंदौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 हुई घोषित। ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे स्टीव स्मिथ तो भारतीय टीम के कप्तान रोहित ने भी किए बड़े बदलाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला होलकर स्टेडियम इंदौर में खेला जाना है। इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से तैयार हैं। तो दोस्तों, दोनों टीमों के बीच होने वाले इस मुकाबले के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस सीरीज को जीत कर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपने नाम करे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम में तो बड़े बदलाव होने ही जा रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान ही अवेलेबल नहीं है। ऐसे में स्टीव स्मिथ यहां पर टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन कैमरून ग्रीन और मिचेल स्टार्क की वापसी से टीम जरूर मजबूत हुई है। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की ओपनिंग जोड़ी की, तो ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा इस टीम के लिए पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। दोनों बल्लेबाज यहां पर काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि काउंटर अटैक करना जानते हैं ट्रेविस हेड, तो वहीं पर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ अच्छा खेलते हैं उस्मान ख्वाजा। वहीं पर नंबर 3 पर मार्नस लाबुसेने उतरेंगे, लाबुसेन से काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। तो वहीं पर नंबर 4 पर कप्तान स्टीव स्मिथ खेलते हुए नजर आएंगे, इनका परफॉर्मेंस भी अब तक अच्छा नहीं रहा है। वहीं पर नंबर 5 पर पीटर हैंडस्कॉप उतरेंगे, तो नंबर 6 पर खेलते हुए नजर आएंगे विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स केरी। पीटर हैंडस्कॉप और एलेक्स केरी से भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। इसके बाद नंबर 7 पर कैमरून ग्रीन खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 8 पर मिचेल स्टार्क उतरेंगे। वहीं पर नंबर 9 पर नेथन लॉयन उतरेंगे, तो नंबर 10 पर बोलेंड खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि नंबर 11 पर कुहन मैन उतरेंगे। यानी कि देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी काफ़ी शानदार है, और यहां पर दो खिलाड़ियों की वापसी के बाद टीम मजबूत भी हुई है। वहीं पर दोस्तों, दूसरी तरफ टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी की हम बात करें तो भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा तो उतरेंगे, लेकिन उनके साथ KL राहुल इस मुकाबले में हमें खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, तो उनकी जगह पर हमें खेलते हुए दिखेंगे शुभमन गिल, जो कि काफ़ी शानदार फॉर्म में भी हैं, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर वो शानदार बल्लेबाजी भी करके दिखाएंगे। इसके बाद दोस्तों, नंबर 3 की हम बात करें तो यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा हमें खेलते हुए नजर आएंगे। चेतेश्वर पुजारा के परफॉर्मेंस की बात करें तो अब तक इस सीरीज़ में तो उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस मुकाबले में वो कमाल करेंगे। तो वहीं पर नंबर 4 पर विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। पिछले मुकाबले में विराट कोहली की पहली पारी में एक अच्छी झलक दिखी थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर वो अपनी इस पारी को बड़े स्कोर में तब्दील करेंगे और एक शतक ठोकेंगे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, नंबर 5 पर हमें श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि आक्रामक बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं, तो यहां पर ये कमाल कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा उतरेंगे। रविंद्र जडेजा के परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस लाजवाब रहा है। वहीं पर नंबर 7 की हम बात करें तो यहाँ पर विकेट कीपर बल्लेबाज KS भरत खेलते हुए नजर आएंगे। KS भरत भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, और एक झलक इन्होंने पिछले मुकाबले में दिखाई भी थी। वहीं पर इसके बाद नंबर 8 की हम बात करें तो पर अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने अब तक टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी में कमाल का परफॉर्मेंस किया है। तो वहीं पर नंबर 9 पर हमें रविचंद्रन अश्विन खेलते हुए नजर आने वाले हैं, तो नंबर 10 पर खेलते हुए दिखेंगे मोहम्मद समी, जबकि नंबर 11 पर उतरने वाले हैं मोहम्मद सिराज। यानी कि दोस्तों, देखा जाए तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 भी काफ़ी शानदार नजर आ रही है। वहीं पर अब पिच की हम बात करें तो शुरुआती 2 दिनों यहां पर पिच पर बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है, लेकिन तीसरे, चौथे व 5वें दिन एक बार फिर स्पिन गेंदबाजी हावी रहेगी। वहीं पर दोस्तों, आपको क्या लगता है टीम इंडिया की तरफ से कौन सा बल्लेबाज शतक ठोकेगा इस मुकाबले में, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।